असम के व्यूवर्स, और यहाँ एक बहुत ही अहम खबर है और वो ये है कि टेक्निकल प्रोफेशंस बड़े इदारों में मौजूद तारकिन वतन के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। जी हाँ, सऊदी हुकूमत 25% यानी 25% सऊदीजेशन करने जा रही है टेक्निकल शोबों में बड़ी कंपनियों के, यानी वहाँ पर 25% सऊदीज लोगों को रखा जाएगा और उनको रिप्लेस किया जाएगा वहाँ पर मौजूद तारकिन वतन के साथ। उन तारकिन वतन को जब उनकी जॉब ख़त्म की जाएगी तो उनको बेनिफिट्स क्या दिए जाएंगे वो भी मैं आगे चल के अपनी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आपने यहाँ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि डेली बेस पर ये इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और न्यूज़ अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो जनाब, सऊदी हुकूमत जहाँ पे सऊदीजेशन कर रही है बड़े ही फास्टली, ये चल रहा है कि सऊदियों को हर कारोबार में और हर जगह एकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पर एक फैसला सऊदी हुकूमत ने ये लिया है कि जितने भी टेक्निकल प्रोफेशंस हैं बड़ी कंपनियों को खासकर टारगेट किया गया। अच्छी बात यह है कि छोटी कंपनियां इसमें इस पॉलिसी का, इस फैसले का हिस्सा नहीं है। तो बड़ी वहाँ पर 25% सऊदीजेशन की जाएगी और जिन लोगों को उनके नतीजे में निकाला जाएगा उनको 6 से 7 हज़ार रियाल जो है वो कंपनसेशन दिया जाएगा। ये जो है एक न्यूज़ है जहाँ ये अच्छी भी है कि आपको कंपनसेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, वहीं ख़तरे की घंटी भी है क्योंकि बहुत से तारकिन वतन जो हैं वो सऊदीजेशन की लपेट में आ सकते हैं, उसकी नज़र हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है।